And what do you have to say about these things? I mean, vibrators, hmm. sex toys. People are using it. I mean, uh, कोई take है आपका इसके ऊपर? देखो is अगर is it fine or not? See, toys, vibrators, strokers are not meant for pleasure. ये बनाए इसलिए गए थे ताकि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे किसी का पार्टनर नहीं है उनको वैजनसमस का इशू है सेक्सुअली डिजायर्स कम हो रही हैं या मे बी योर वजाना इज नॉट ओपनिंग इनफ द मेल हैज सम प्रॉब्लम दे वांट टू वेट सिंगल हो तब यू कैन बाय इट सो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ अ मेडिकल ट्रीटमेंट इट्स नॉट समथिंग की मजे के लिए बनाए गए थे बट दे आर प्रमोटेड इन सच अ मैनर नाउ कि भाई तुम हैप्पी कपल भी हो तो भी खरीद लो मजा ज्यादा आएगा खरीद लो मतलब ऐसे बेचा जा रहा है कि इसके बिना तो क्या ही तुम कर रहे हो अपनी जिंदगी का खरीद मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर कोई सेक्स टॉय यूज कर रहा है या कोई वाइब्रेटर यूज कर रहा है तो उसकी फिर इच्छा ही खत्म हो जाएगी रियल सेक्स करने की exactly, एक्टली बिल्कुल होगी देखो ऑल द सेक्स टॉयज बी इट पोरस और नॉन पोरस मतलब ऐसे तो मिल नहीं रहा तो वाइब्रेशन है Now, की 10 -10 अगर आपको किसी चीज पे इलेक्ट्रिसिटी लगाने से प्लेजर मिल रहा है तो सोचो द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी विल सूट यू

बट दे वंस इट इज डन यू गो टू योर वॉशरूम यू पोट ऑन अटॉय एंड यू यूज इट एंड देन यू फील सैटिस्फाइड आफ्टर समटाइम स्टार्ट ब्लेमिंग योर पार्टनर दैट यू आर जीरो फिर गलती हाँ कुछ कपल्स ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं आपस में खरीदते हैं देखो वी डोट हैव एनी राइट टू जज दैम इट्स देयर चॉइस इट्स अवेलेबल दे केन बाई इट बट जस्ट यूजिंग अ टॉय आउट ऑफ प्लेजर बिफोर मैरिज और करके देखते हैं फन करते हैं तो फिर आपको नॉर्मल की तरफ नहीं होगा एंड इट लेट्स टू लॉर्ड्स ऑफ इन्फेक्शन सो वॉश इट एवरी टाइम यू यूज इट एंड कीप इट सेफ ओके